So भाई लोग, आज का जो ये पीसी का ऑर्डर है, ये पहली चीज तो आया है इंदौर मध्य प्रदेश से, एमपी से, ठीक। सेकेंड थिंग, ये इंटेल बेस्ड नहीं है, ये पीसी एएमडी बेस्ड है, प्लस डीडीआर5 सपोर्ट के साथ इस पीसी को हमने बनाया है, लेटेस्ट एएम5 सॉकेट वाला प्रोसेसर लगा के, ठीक भाई। और जो पीसी के ओनर है वो है मिस्टर अक्षत तिवारी, ये रहते हैं इंदौर मध्य प्रदेश। सो व्हाट्स अप, कैसे हो सब? आपका इशारा खान एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले, ठीक भाई। अगर आप भी कोई इस तरह का किसी भी टाइप का कोई पीसी बाय करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे दो नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं, आपके घर तक पीसी पहुंच जाएगा वाया कुरियर। और उसके अलावा अगर आप हमसे फिजिकल लेना चाहते हैं आके, तो हमारा स्टोर लखनऊ में है, आप हमसे आके पीसी को परचेज कर सकते हैं फिजिकली, ठीक भाई। आज के पीसी को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल पहली बार पे आया हूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आइए दिखाते हैं कंपोनेंट्स। सो भाई लोग, सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा कैबिनेट का पार्ट। तो कैबिनेट जो हमने इसमें यूज किए वो ये देख लिए है, फैंटेक इक्लिप्स G360A, ये देख लीजिए, व्हाइट कलर का कैबिनेट है। 1, 2, 3 फैन मिलते हैं आपको फ्रंट में, और पीछे कोई फैन नहीं मिलता, पीछे में फैन इंस्टॉल किया जाना किया, ठीक। ये देखिए फुल व्हाइट कैबिनेट है, फुल व्हाइट, दो ऑप्शन आते हैं इसमें, व्हाइट एक और एक आता है ब्लैक, ठीक। एक इसमें आपको यहाँ पे ARGB स्ट्रिप्स मिल जाती है, जो भी दिखने नहीं होगी आपको, लेकिन हाँ दिखेगी जरूर, टाइम आपको दिखाएंगे, ठीक। उसके अलावा आपके टॉप पे देखिए, इसमें 360mm का सपोर्ट मिल जाता है, रेडिएटर का, लिक्विड कूलर लगाने का, एज वेल एज फ्रंट पे भी देखिए आप 360mm लगाने का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, ठीक। उसके अलावा ये रहे इसके IO पोर्ट्स, ये देख लीजिए, 2 3.0 पोर्ट रखे हैं, पावर ऑन स्विच, रिसेट बटन, LED बटन, ठीक। और उसके अलावा साइड में आप यहाँ पे देखिए, ये आपको बेस एकदम सिंपल मिलता है, फैंटेक का लोगो मिलता है यहाँ पर, और ये भी एकदम सिंपल रखा है, ब्रांड जिसे कहते हैं वो ये है भाई साहब, ब्रांड है, ब्रांड अलग ही बोलता है। तो ये देख लीजिए कैबिनेट हमने इसमें यूज किए, बात करें कॉस्ट की, बहुत महंगी कैबिनेट होती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं कि इस कैबिनेट की क्या कॉस्टिंग आती है। उसके बाद जो हमने SMPS में यूज किए, वो यूज किए थर्मलटेक के 650W 80+ ब्रॉन्ज SMPS यूज किए, जो सॉरी 750W यूज किए ट्यूबल ब्रॉन्ज, जो कि आपकी 5 years की वारंटी से आती है, और अगर आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो, बट नीड नहीं है इसको अपग्रेड करने की, बताएंगे क्यों नहीं नीड है अपग्रेड करने की, फ्यूचर में बताएंगे, आगे मतलब वीडियो में आपको बताते हैं। सो भाई लोग, ये रही आज सील, जो कि आपके सामने देखिए ब्रेक हो रही है, सील हमने ब्रेक कर दी, अब इसको करते हैं अनबॉक्स, और अनबॉक्स करके देखते हैं हमारी पावर सप्लाई कैसी है। तो ये निकली पावर केबल, इसमें से देख लीजिए काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस पावर केबल की। उसके अलावा ये निकली हमारी इंडिविजुअल पावर सप्लाई, इसमें थर्मलटेक 750W 80+ ब्रॉन्ज, जो कि आती है 5 years वारंटी के साथ, और आपको इसमें मिल जाते हैं मेन जैपनीज कैपेसिटर। जैपनीज कैपेसिटर का मतलब आपको जो इफिशियंसी मिलेगी वो बेस्ट टू बेस्ट मिलने वाली है यहाँ पर। उसके अलावा हमने इसमें यूज किया है सर्किल का एक X1 वाइट फैन यूज किया है, CG Infinity, जो कि लगा है हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये फैन हमारा लगा, इस फैन को हमने इस ब्रांड में किया है यूज। उसके बाद जो मैंने मदरबोर्ड यूज किया गीगाबाइट का B650 Eagle AX DDR5 सपोर्ट, LGA 1700 के साथ आने वाला मदरबोर्ड, और ये आता है आपका वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साथ, 650 सीरीज है, मतलब आप इसमें अच्छे से अच्छा प्रोसेसर बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो भाई लोग, ये रही इसकी सील, आपके सामने की सील ब्रेक हो रही है मदरबोर्ड की हमारी। उसके बाद हम लोग इसको करते हैं अनबॉक्स, और अनबॉक्स करके देखते हैं कि हमको इसमें जो कंपोनेंट्स मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं, क्या कंटेंट हमको अंदर मिलता है, कि अंदर भी सील मिलती है, वो भी हमने उसकी कर दी ब्रेक। ये देखिए मिले हमको इसमें एंटेना, ये हो गया वाईफाई एंड ब्लूटूथ का एंटेना, और उसके साथ साथ हमको मिल जाती है इसमें साटा केबल्स, 1, 2 साटा केबल मिलती हैं आपकी HDD कनेक्ट करने के लिए। और ये रहा हमारा इंडिविजुअल मदरबोर्ड, 4 RAM स्लॉट आपको इसमें मिलेंगे, 1 प्रोसेसर स्लॉट, और उसी के साथ साथ आपको मिल जाएंगे 3, 1, 2, 3, 4 मिलते हैं ग्राफिक कार्ड के स्लॉट। उसके अलावा पहला स्लॉट NVMe का मिलेगा, फिर ग्राफिक कार्ड का 2 स्लॉट, फिर उसके बाद आपको NVMe के और मिलेंगे। और ये रही इसकी IO शीट, जिसमें आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे पोर्ट, टाइप सी का भी पोर्ट कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है, बजट के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, मदरबोर्ड में कोई डाउट नहीं, देखो यार। और परफॉर्मेंस आपको 650 सीरीज का है, तो मतलब 7600X आप प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से क्लब हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने इसमें प्रोसेसर लगाया है वो लगाया है AMD Ryzen 5 7600X, मतलब 7600X, जो कि आता है देखिए AM5 सॉकेट के साथ,
और 38 MB की आपको इसमें मिल जाती है कैश मेमोरी। ये देखिए और शानदार प्रोसेसर हमारा, जबरदस्त प्रोसेसर है, मजा आ जाए परफॉर्मेंस हिसाब से। AMD Ryzen 5 7600X और सीरियल नंबर दिखा दें आपको इसका, ये देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ। सो भाई लोग ये देखिए आपके सामने सील ब्रेक हो रही है हमारे CPU की AMD Ryzen 5 7600X, इसको सील ब्रेक कर लिया और अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता भाई, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हमको मिलता है प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7600X 6 कोर 12 थ्रेड का, एक AM5 सॉकेट का DDR5 सपोर्ट प्रोसेसर मिलता है जिसमें अब पिन नहीं आती है, पिनलेस प्रोसेसर हो चुका है, पिन अब आपको मिलेंगे सीधे मदरबोर्ड में। तो आइए इसको जरा साइड करते हैं और अनबॉक्स करते हैं दूसरा कंपोनेंट। उसके बाद उन्होंने एनवीवी लगाई, वो लगाई है ADATA की लीजेंड 961TB की जेन 4 एनवीएमई जो आती है PCI 4.0 सपोर्ट के साथ। ठीक है कि 1TB की जेन 4 जिसकी रीड स्पीड यहां पे दी गई है अप टू, ये रखी है 7400 MBPS और राइट है अप टू 60, ये मैं खुद देख लूं, 6800 MBPS। ठीक है, बात करें प्राइसिंग की, इन सारे कंप्यूटर के प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप चेक कर लेना जिस आप वीडियो देख रहे हो उस दिन इनका क्या प्राइस है। सो भाई देखिए सील हमारी ब्रेक हो रही है NVMe की, ये सील ब्रेक हो गई, सील ब्रेक करने के बाद इसको कर रहे हैं अनबॉक्स, अनबॉक्स करने के बाद ये देखिए ये रही हमारी ADATA की लीजेंड 961TB की जेन 4 NVMe जिसके रेड स्पीड है अप टू 7400 MBPS और ICs वगैरह देख लीजिए इसकी, बजट के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से एंड स्पीड के हिसाब से काफ़ी अच्छी NVMe है ये। उसके बाद जो मैं इसमें रैम लगाई है वो लगाई है थर्मलटेक की टफ रैम 16x2 6000 MHz की किट, 32 GB की किट है ये, 32 GB रैम है आपकी, 16x2 और लुक वाइज बहुत अच्छी रैम है, दो पार्टीशन लगता है, अलग अलग टेक्सचर दिए गए हैं, बीच में एक बहुत अच्छा सा इन्होंने पिलर टाइप का रखा है, उस पिलर पे छोटी सी 8 GB मिलेगी, टॉप पे आपको अलग से 8 GB मिलेगी। बजट के हिसाब से लुक देखिए, बहुत इन्होंने कितनी वो अच्छी इंजीनियरिंग कर रखी है रैम के पीछे, 16x2 6000 MHz की रैम लगी है DDR5 में, तो आप क्या पीसी बनने वाला है आप खुद एक बार सोचो। उसके बाद उन्होंने उसमें लिक्विड कूलर यूज किया, वो यूज किया थर्मलटेक का TS360V2 ARGB व्हाइट कलर का लिक्विड कूलर यूज किया है जो आपके 360 mm रेडियस से आता है, 120 mm के 3 फैन आपको इसमें। सो भाई ये रही सील हमारी मदरबोर्ड लिक्विड कूलर की, सील आपके सामने देखिए ब्रेक हो गई है, सील ब्रेक करने के बाद इसको करते हैं अनबॉक्स और उसके बाद ये देखिए 3 फैन निकलते हैं इसमें साथ में, पूरी किट आपके सामने मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ और आप खुद देखो, तो बाद में मत करें शायद भाई आपने दिखाया क्यों नहीं। तो ये रहे 3 फैन हमारे जो कि A120 के ARGB फैन मिलते हैं लिक्विड कूलर के साथ साथ, ये देखिए हैं 3 फैन हैं और उसके अलावा मिलता है हमको ये किट AMD और इंटेल की किट मिल जाती है साथ में, और उसके अलावा हमको ये मिलता है इंडिविजुअल हमारा लिक्विड कूलर 360 mm का रेडिएटर है, मतलब 120 mm के आप इसमें 3 फैन इंस्टॉल कर सकते हैं, टोटल लेंथ रेडिएटर की 360 mm। और ये रहा इसका CPU ऑर्डर, काफ़ी बड़ा सा, चंकी सा, बल्कि सा, परफॉर्मेंस वाइज ये लिक्विड कूलर अपने से आगे महंगे लिक्विड कूलर को बीट करता है, वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड कूलर इन दिस सेगमेंट। उसके बाद उन्होंने इसमें मतलब ग्राफिक कार्ड यूज़ किया, वो यूज़ किया GIGABYTE का G4 RTX 4060 Ti 8 GB का GDDR6 बेस्ड ग्राफिक कार्ड है हमारा, और इसका सेल नंबर ये देख लीजिए 4060 Ti ग्राफिक कार्ड, इट मीन्स आप फुल HD की अच्छी गेमिंग इसमें बहुत आराम से करते हैं। सो भाई ये रही सील आपकी ग्राफिक कार्ड की, ये सील हमने यहाँ से कर दी ब्रेक, देख लीजिए सील ब्रेक करने के बाद इसको करते हैं हम लोग यहाँ से अनबॉक्स और अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको अंदर ग्राफिक कार्ड, अंदर ग्राफिक कार्ड में भी सील मिलती है, देखिए सील ब्रेक हो रही है, देखते रहना भाई आप अक्षर तिवारी, आप देख लेना सील ब्रेक हो रही है। तो ये रहा ग्राफिक कार्ड, 1, 2, 3 फैन आपको मिल जाते हैं, 120 mm के ठीक ठाक आपको हीट सिंक मिल जाती है और उसके अलावा आपको बैक प्लेट भी मिलती है, कंपनी देती है बैक प्लेट, और ये रहा इसका सीरियल नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके अलावा मतलब ग्राफिक कार्ड अच्छा है, 8 GB ग्राफिक कार्ड है। ये रहे इसके IO पोर्ट्स, एक मिलेगा आपको डिस्प्ले पोर्ट HDMI और 3 मिलते हैं डिस्प्ले पोर्ट। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके बिल्ड और स्टार्ट करते हैं बिल्ड, आपको दिखाते हैं A to Z, देखो फिर बात करते हैं। Bye.
सो भाई लोग पीसी अपना कंप्लीट हो चुका है, जितना भी असेंबली का काम था ये देखिए ए टू जेड सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। हमारे इनसे जो भी काम था वो सब हो चुका है पूरा, मतलब ए टू जेड फुल ऑन कंप्लीट। और उसके अलावा ये देख लीजिए ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, ये रहा पीसी का केबल मैनेजमेंट, बहुत ही शानदार केबल मैनेजमेंट हुआ है। कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताना। और हमने अपनी तरफ से अपना सारा काम कर दिया है, अब आप भी छोड़ दिया है कि आपको कैसा लगे कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को पसंद आया हो। लाइट्स ऑफ करते हैं, मॉनिटर लगाते हैं, इसको अनबॉक्स ऑन करके आपको। सो भाई लोग अब हम लोग करते हैं अपनी मशीन को ऑन। सो 3 2 1 गो, ये हमने मशीन को ऑन कर दिया है। कहाँ पे लाइट आई, सबसे पहले हमने मदरबोर्ड में लाइट आई और पूरी मशीन में लाइट आ चुकी है। जो चीज इसकी यूएसपी है वो आपको हम बाद में बताएंगे, पहले दिखाते हैं फ्रंट का लुक। तो ये देख लिए फ्रंट में आपको इसमें मिल जाते हैं 3 फैन आपको इसमें टोटल मिल जाएंगे। और तीनों फैन में बाद भाग के आपको RGB दे रखी है, ARGB। उसके अलावा ARGB कहाँ मिलेगी, ये देख लीजिए यहाँ पे एक ARGB स्ट्रिप गई हुई है, देख रहे हैं एक ARGB स्ट्रिप गई है जो कि दिखने में बहुत प्यारी लगती है। उसके अलावा दो आपको रैम मिल जाएंगी 16x2 32GB की, जिसमें आपको RGB मिल जाएगी। प्लस उसके अलावा ये हो गया आपका CPU हेडर, इसमें भी आपको RGB मिल जाएगी। प्लस ये देखिए लिक्विड कूलर के फैन, तीन फैन आपके लगे हुए हैं और तीनों फैन में बहुत शानदार तरीके से आपको RGB दे रखी है। उसके अलावा एक फैन आपको लगा है पीछे, उसमें भी हमने RGB दे रखी है। लुक वाइज कैसा लग रहा है सिस्टम, आप हमें कमेंट करके बताओ। लुक वाइज व्हाइट कलर में है, अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए इधर आपकी विंडोज आ चुकी है। सबसे पहले हम टास्क मैनेजर में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें लगा है। परफॉर्मेंस में गए CPU, देखिए AMD Ryzen 5 7600X लगा है CPU। मेमोरी में गए 32GB मेमोरी, 1TB 960 लीजिए GPU 4060 Ti। ठीक, इसको बंद किया। अब हम इसको GCC खोलते हैं, इसका कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर। ये खुल गया हमारा भैया RGB फ्यूजन। ये देखिए अभी सर देखिएगा आप, देखिए स्टैटिक लाइट लगाई हमने। ठीक, स्टैटिक लाइट में आप जो चाहो वो कलर इसका चेंज कर सकते हो, ये देखिए। उसके बाद आप चाहो उसमें डी फ्लैश लगा लो, ये देख लो है डी फ्लैश में मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। उसके अलावा आप चाहो उसमें कलर साइकिल लगा लो, ये देखो ये मैंने अभी इसमें लगा दी है कलर साइकिल, सारे कलर्स पूरी कैबिनेट सिंक है, देखो एक एक चीज़ का कलर आपको साथ में दिखेगा। और डी फ्लैश एक और लगा सकते हो, ये देखो बार बार ब्लिंक कर रहा है, फ्लैश दे रहा है, ये भी आपको ऑप्शन बढ़िया मिल जाएगा। उसके अलावा पल्स है, पल्स लगा सकते हो, पल्स में भी आपको ऑप्शन बढ़िया मिल जाता है, चेंज को बहुत रहता है। उसके अलावा चाहो आप रेनबो, तो यहाँ से रेनबो लगा लो, ये हो गया आपका रेनबो का इफेक्ट। सो भाई देखिए मैंने स्टूडियो के लाइट्स ऑन किए हैं और सोचा आपको एक बार हम लाइट्स ऑन करके दिखा दें कि कैबिनेट का लुक कैसा आ रहा है। ये देख लीजिए मैं सीधे पीछे से हट गया पूरा और आपको मैं डिटेल में एक एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देख लीजिए आप कैसा लुक आ रहा है, ज़बरदस्त लुक आ रहा, नहीं आ रहा है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे RGB है, क्या एस्थेटिक वाइज कैसा है। ठीक भाई, तो अब आइए शुरू करते हैं हम लोग इसके बेंचमार्क और आपको बेंचमार्क दिखाते हैं। आप लोग बताना, हमने तो अभी तक से पूरी कोशिश की कि इनको अगर पीसी अच्छे से चला बना के दें तो अक्षय तिवारी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहना है पीसी चैनल पहली बार लोग आए हो तो क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देना अपने इनसे जरूर। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।